तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुहास जी की प्रॉब्लम से। जैसे कि इनका कहना है कि मैंने एक नाम का सी बनाया, अब मैं दोबारा दूसरा नाम डेटा करूँ तो मुझे यहाँ पे डेटा वन और फिर दोबारा हम डेटा ऐड करें तो यहाँ हमारा डेटा टू दिख जाए। सर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक माइक्रो रन करना पड़ेगा सब मॉड्यूल्स। तो अगर आप नाम की कोई और कुछ करवाना चाहते हो ठीक है, लेकिन मुझे सीक्वेंस को मेंटेन करना है कि डेटा टू कर दिया तो डेटा थ्री होना चाहिए सीक्वेंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आर आर लूप लगेगा कि 4i इक्वल टू चले 1 टू शीट, यहां पे शीट्स डॉट काउंट राइट करेक्ट। ऊपर एक वेरिएबल लेते हैं काउंटर की डिम सी एज ए इंटीजर या लॉन्ग कर दीजिए। आपकी यहां पे होगा इफ इन एसटीआर क्या होता है पता है? नहीं सर ये नया कुछ तो एक्सेल में फाइंड का जो फॉर्मूला आपने आर्टिकल पढ़ा नहीं, इसका मतलब आर्टिकल में इन एसटीआर टेक्स्ट के रेडी में दिया हुआ है। इफ वन स्ट्रिंग हो गया हमारा सीड्स के साथ आई डॉट नहीं करना है उसके बाद हम यहां पे करेंगे शीट्स डॉट एड डॉट नेम इक्वल टू डेटा और डेटा के साथ हमने कॉन्केट किया सी करेक्ट करेक्ट चलता है क्या कोई दिक्कत देता है? आगे डेटा वन यस डेटा टू करेक्ट डेटा थ्री डेटा फोर। तो अब इसको समझिए क्या है इनएसटीआर क्या होता है। अब इसे यहाँ पे सीट का नेम आपका डेटा यहाँ पे डेटा फोर निकल राइट, लेकिन हमारे पास इनिशियल वर्ड डेटा है ना, क्या बोले सर? इसमें हम क्या किया फाइंड फॉर्मूला कि इसमें जाओ डेटा को इसके अंदर सर्च करो स्टार्टिंग से, तो अगर ये मिलता है तो ये आपको 1 2 3 इस तरह के नंबर देगा। अगर नंबर रिजल्ट आया इसका मतलब है कि इसमें है, और नंबर नहीं कुछ रिजल्ट आया जैसे मान लीजिए मैं डेटा का इस हाँ यहाँ याद किया केस सेंसिटिव होता है सर ऐसा है डेटा जीरो आ गया ना कुछ नहीं होगा, तो अगर पहले से नहीं बना होगा तो डेटा जीरो है क्योंकि ये आपका डेटा के एज होता है केस सेंसिटिव होता है इसका ध्यान राइट। तो इसने ढूंढ के एक नंबर दिया और नंबर वो जीरो से बड़ा है तो सी में प्लस वन कर दे तो फाइनली पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना है ओके ठीक है कितने शीट्स हैं ये रहे ओके ये हो सर। अच्छा सर मान लीजिए मैं कंडीशन इस तरह से लगाना चाहती कि मेरा कोई भी नेम यहाँ पे जैसे हम लोग डेटा एक मेंशन कर दिए हैं मेरा कोई भी नेम रिपीट हो तब ये ऐड हो। हाँ यस यस मैं भी यही पूछने वाला था। नहीं कोई भी नेम रिपीट हो तो कैसे कैसे क्या डालेगा। दूसरी चीज है कि आपको माइक्रो सीट नेम ये जो माइक्रो रन होगा ये आपका थोड़ी कि न्यू सीट पे अब सीट इंसर्ट होने के बाद हम नेम देते हैं और रिनेम करने के लिए फिर आपको इवेंट माइक्रो ट्राई करना पड़ेगा और इवेंट माइक्रो तब चलेगा जब ये आपका परफॉर्मेंस देगा फिर ऐसा है ना आप ये चीज यहाँ पे नहीं लगेगा
आप बोल रहे हो नहीं तो वो इवेंट मैक्रो के थ्रू कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि मैं इनपुट बॉक्स में कोई भी नाम दूं, तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि n इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां पे आप दे दीजिए कि एंटर सीक नेम, ठीक है ओके। यहां पे आप ये जो हमने ए दिया है डेटा दिया है इसके जगह पे आप n दे दीजिए, अब आपका कोई भी नाम हो जाएगा, जो नाम आप डालेंगे रन करने से पहले, रन करते समय आपसे पूछेगा सीट नेम, आपने जो नाम डाला कुछ भी नाम डाल दीजिए, तो भी इसमें डेटा नहीं होना चाहिए। और हो सकता है केस सेंसिटिव का चक्कर हो तो उसके लिए क्या करें, एलकेस एलकेस यूज करना है या यूकेस जो भी बचा है, राजपूत दोनों में ही हो जाएगा एलकेस और यूकेस में, एलकेस यूकेस कोई भी यूज करने से वो केस सेंसिटिव हट जाएगा। हाँ, हम दोनों को सेम केस में कर देते हैं, दोनों को सेम ओके क्या किया आप कुछ भी डालिए हमने दोनों को सेम केस में कर ओके okay? हाँ सर आगे बढ़े इसमें सर और कोई प्रॉब्लम है आप लोगों की? नहीं सर इसमें तो नहीं है। अच्छा मैंने जो रिस्टार्ट किया था उसका क्या हुआ सर? वो एक्सेल का ये ठीक है सर, क्योंकि वीलुकअप सॉरी वीबीए में मैंने ट्राई किया बट वो माइक्रो रिकॉर्ड करके मैंने ट्राई किया बट नहीं हो रहा है वो सर। सॉरी सर मैं ट्राई ही नहीं कर पाई, मैं कुछ सर्च करूंगी कुछ करूंगी उसके लिए नेट चाहिए, मेरे यहाँ पे दंगा हंगामा के लिए नेट ही बंद कर दिया गया था कल रात को स्टार्ट। चलिए कोई बात नहीं ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब हम बैक टू, इसमें आपने इन एसटीआर का फॉर्मूला सीखा? जी सर। इन एसटीआर के बाद ये तो इन एसटीआर क्या करता है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट टू राइट चलता है। जैसे अब मान लीजिए कि मेरे पास एक एड्रेस है, एड्रेस की हम बात करते हैं, यहाँ है सुजीत कुमार और यहाँ क्या जाता है आपका ई 412 मेरा ओरिजिनल एड्रेस है लक्ष्मीपुरी, उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं कॉमा, यहाँ पे हम करते हैं नंबर अपना मोबाइल नंबर इसमें क्या करना है कि अपनी ईमेल आईडी अलग करनी है। अब ईमेल आईडी अलग करनी है तो कॉमा हमारा सेपरेटर, तो अगर हम फाइंड का फॉर्मूला या इनएसटीआर का फॉर्मूला लगाते हैं कॉमा को ढूंढने के लिए तो इसमें क्या है कि ए पहले से ढूंढ के 14 आपको दे दिया, तो आप यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और लेफ्ट के फॉर्मूले से आप बोलेंगे कि मुझे इसमें से 14 नंबर से एक कम निकाल के दे। आ गया सुकुमार। अब इसमें एड्रेस भी हो सकता है, किसी में सिटी पिन नंबर भी हो सकता है, तो इसमें कॉमा कितना होगा उसका आइडिया नहीं है, बस एक आइडिया है कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो हमारी ईमेल आईडी सबसे लास्ट में। अच्छा राइट ओके। तो इसमें हम कैसे करें, तो हमारे पास वीवीए में एक इन एसटीआर रिवर्स का फॉर्मूला होता है, वो फंक्शन ईमेल के नाम से बनाता हूं एन एज ए स्ट्रिंग, हम यहां पे लगाते हूं यहां पे कि यहां तो ईमेल देता हूं यहां पे बिम सी एज ए लॉन्ग इक्वल टू इन एस टी आर रिवर्स,
अब इसमें देना होता है कि स्ट्रिंग किसको करना है और किसमें मैच करना है। तो हमने कहा कि मुझे कॉमा को करना है किसमें, एंटर। फिलहाल सी को बाहर करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पे ईमेल को हमने किया इसको सिलेक्ट, एन के अंदर ढूंढना है और कॉमा। अब आ गया 45। तो मैं यहां पे इजीली लगा सकता हूं फॉर्मूला राइट का कि राइट इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि 40 लेन कंप्लीट लेन complete lane minus 45। मुझे मान लीजिए, इसमें मान लीजिए मुझे कि मोबाइल नंबर से, तो ये हमारा होता है स्किपिंग पोजीशन। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो क्या होगा, पे 45 आया और यहाँ पे प्लस 2 कर देता हूं तो क्या होगा, माइनस 2 कर देता हूं तो पोजीशन होता है सर। यहाँ पे स्प्लिट हम लोग यूज नहीं कर सकते, टेक्स्ट कॉलम भी है वो अलग अलग कर देंगे, हमें तो इसमें से कुछ इसको स्ट्रैक करना है ना। हमें स्ट्रैक करना है ना, आपने ये रिवर्स का यूज किया है यहाँ पे। फाइंड फाइंड का काम होता है इधर से ढूंढना और रिवर्स का काम होता है इधर से ढूंढना। ये ईमेल आईडी कोई कीमत में फाइंड से नहीं होगा क्योंकि इसमें फिक्स है, लेकिन हमें पता है कि सबसे लास्ट में है वो भी यहाँ से अलग है। ओके ठीक है, नेक्स्ट चार वर्ष में आ गया। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रिप्लेस सर, रिप्लेस। अब रिप्लेस का यूज क्या होगा, चलिए हम आपको बताते हैं क्या करते हैं। एक एग्जांपल है छोटा सा, आप देख लीजिए कि मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा है कि बीवी इसमें क्या है कि एयरलाइंस है, हमें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट चाहिए। ट्रू कब चाहिए कि हमें सेम एयरलाइंस हो, जो डबल ए है, दो डिजिट का कोड है, कोई कोड समझ लीजिए। तो अगर किसी ने किसी एक जर्नी में सेम ईमेल आईडी अगर यूज किया है तो यहाँ पे ट्रू आए, अगर इसके बीच में कोई और आए तो ये यहाँ पे फॉल्स है। ओके सर, तो क्या करें इसके लिए, एक्सेल का हम पहले देखते हैं एक्सेल में क्या करेंगे। देखिए एक्सेल में क्या होगा, सबसे पहले तो मैं लेफ्ट करूंगा, लेफ्ट में हमने किया और हमने से यहां से दो डिजिट अलग कर, फिर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा और सब्स्टिट्यूट में बोलूंगा कि इसमें जाओ और
इस करेक्टर को ब्लैंक कर, फिर वापस मैं सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा और सब्स्टिट्यूट में बोलूंगा कि इसको इसमें कॉमा को ब्लैंक कर दिया जाए और फिर लेंथ चेक करूंगा इसका लेंथ क्या है। अब इसका लेंथ ग्रेटर देन जीरो है तो रिजल्ट ट्रू, हमने दो डिजिट को अलग किया, हमें पता है कि दो डिजिट का कोड है, तीन का तीन अलग करेंगे, फिर हमने उस सब को डिलीट कर दिया, क्या बच गया कॉमा, हमने फिर कॉमा को डिलीट कर दिया तो क्या बचा कुछ नहीं। अब यहाँ पे चेक कर लिया क्या लेन क्या है तो कुछ नहीं, मतलब कि जीरो है, तो अगर जीरो है तो ट्रू है, अगर बीच में कोई एयरलाइंस हुआ तो यहाँ पे सिर्फ बीवी हुआ, तो इसने क्या किया कि ए ए को पूरा रिप्लेस कर दिया, डिलीट कर दिया, पर ए को डिलीट किया है तो बीवी तो बच ही जाएगा, कॉमा डिलीट होने के बाद ही बीवी बच जाएगा, तो यहाँ पे काउंट जीरो आ गया तो यहाँ पे फॉल्स है। लेकिन ये तो एक्सेल में थर्ड था, चलिए इसको बीवी में कैसे करेंगे, राइट सर। तो फंक्शन फंक्शन में हमने बोल दिया यहाँ पे एआई के नाम से बनाता है एन एज और यहां पे मैं देता हूं कि एआई ये नहीं एआई होगा यहां पे टिम कर टिम ओके मैं करता हूं कि आर इक्वल टू, अब यहां पे एक समय सब्स्टिट्यूट का फॉर्म या सब्स्टिट्यूट का फार्मूला था तो यहां रिप्लेस हो जाता है, क्या हो जाता है रिप्लेस में हमें किसमें तो हमने बोला एन में क्या करना है तो यहां पर बोला कि लेफ्ट लेफ्ट से हमने बोला कि एन से दो डिजिट अलग करना है, क्या रिप्लेस किससे करना है तो ब्लैंक से, वापस आर इक्वल टू रिप्लेस आर कॉमा किसको करना है किससे तो ब्लैंक। अब यहां पे इफ कंडीशन देना है कि इफ लेन लेन में हमें देना है आर इज इक्वल टू जीरो एंड ए आई इक्वल टू ट्रू एल्स ए आई और इसकी रिटर्न टाइप मैं देता हूं बूलियन। अब यहां पे बस आ गया, अब जैसे मैं यहां पे एक एक चलता हो गया, तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा रिप्लेस का फंक्शन कि किसी वर्ड को किसी अनदर वर्ड से रिप्लेस कैसे करते हैं, ठीक है सर। हां सर, आप होमवर्क नोट कर लीजिए। हां होमवर्क नोट कर लीजिए। अब क्या करना है कि आपके सामने ये दिख रहा है ना हमारा ईमेल आईडी, राइट सर, इसमें मैंने बोला हुआ है कि मेरी ईमेल आईडी जो है वो लास्ट में, क्लियर सर। लेकिन ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, मेरी ईमेल आईडी कहीं भी हो सकती है। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि जो हमारी ईमेल आईडी कहीं भी है उसमें से स्ट्रैक करके दिखा दो, समझ में आया। हाँ सर, आपको स्वाजी स्वाजी हाँ सर समझ गया, @ अपने को ढूंढना पड़ेगा ना उसमें, अब क्या ढूंढना है या ढूंढिए और ढूंढ के मुझे कल बताइए सर।
सर एक क्वेश्चन था, आइए सर, पढ़ो मैरे कब करेंगे, पढ़ो मैरे कब करेंगे, पढ़ो मैरी भूल गया मैं, पक्का 100% कल रात में मैं फंक्शन के धुन में भूल गया। ओके सर और एक क्वेश्चन था कि सर हम लोग जो इनपुट बॉक्स यूज करते हैं ना, मैं देख रही थी तो उसमें एक ही मतलब इनपुट डालने का एक ही हम लोगों के पास बॉक्स रहता है, तो मान लीजिए हम लोग अगर कस्टम इनपुट बॉक्स बनाने का कोशिश करें जिसमें 3-4 मतलब वो रेंज डालने का जगह रहे, तो वो पॉसिबल है क्या? हम बताएंगे आपको इनपुट बॉक्स एंड मैसेज ऑटोमेशन फंक्शन के बाद का टॉपिक है, तो हम बताएंगे। ठीक है सर, ठीक।